कराची लिटरेचर फेस्टिवल में हया सहगल हमारे साथ हैं, यहाँ पे अपनी बुक लॉन्च भी है इनकी, और शायरा और अदीब भी हैं। थैंक यू वेरी मच मिस, आपने टाइम दिया। क्या बुक है और क्या मौजू है उसका? थैंक यू वेरी मच, सलाम टू एवरीबॉडी। जो बुक है वो पोइट्री एंड प्रोज की किताब है, और इंस्पिरेशन थी पाकिस्तान, बिकॉज मेरा वतन मुझे बहुत प्यारा लगता है और उसके ऊपर मैंने लिखा है, और उसका जो दर्द है जो लोगों का, और उनके जो जो अभी हमारा जो मुआशरा बन गया है अनसर्टेंटी का, पॉलिटिक्स का, जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने इस किताब के अंदर उसको बनाकर प्रेजेंट किया है। और इंशाल्लाह इसकी जो नुमाइश है उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन है, और उसकी जो लॉन्च होगी संडे को होगी। अच्छा, ये आपने किताब लिखी है, लेकिन इस वक्त जो है एक तासर ये है कि लोग किताबें पढ़ने से दूर हो गए हैं, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? आई थिंक किताबें पढ़ने से दूर नहीं हुए हैं, आई थिंक द फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है। आई थिंक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी आ गई है, और पढ़ने का अभी तक शौक है, बिकॉज ये अब तक सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और अगर आप शाम को देखेंगे ये पूरा भर जाएगा, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग आते हैं बिकॉज उनको शौक है, वरना ये ऐसे हर साल इतने सालों के लिए चलता नहीं। तो लोग बोलते तो हैं कि शौक़ ख़त्म हो गया है, मगर जो मेरी बुक थी वो लिबर्टी से लॉन्च हुई है, तो किसी को तो शौक़ होगा अभी तक पढ़ने का, लिखने का, और उसको जज भी करने का। अच्छा, ये कहाँ आपकी बुक अवेलेबल है, कैसे लोग हासिल कर सकते हैं? सो मेरी बुक अभी लिबर्टी बुक्स पर होगी, और उन्होंने वो मेरे एडिटर्स एंड पब्लिशर्स भी हैं, तो वो उनके पास ज़रूर होगी ऑनलाइन, और आप लोग चेक कर लें। अर्थ एंड ग्लिमर की किताब है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।